बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए कढ़ी पकौड़ा की रेसिपी लेके आया हूँ और मैं आपको बताऊँगा कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आमतौर पर लोग करते हैं और आपने नहीं करनी। बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स भी इंशाल्लाह मैं आपको दूंगा। तो बहुत ही मज़ेदार आज की वीडियो होने लगी है, तो वीडियो की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने पकौड़े का सामान और कढ़ी का सामान जो है इकट्ठे रखा हुआ है। तो यहाँ पे आपने कटिंग पे ध्यान देना है कि किस तरह से आलू काटने हैं या बैंगन काटने हैं। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं, वहाँ पे सभी चीज़ें डिटेल के साथ डिस्कस होंगी। तो आइए, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैंने 1/2 kg की लस्सी बना ली है दही की, और ये हमारे पास है बेसन। तो खाना बनाने वाले 2 बड़े चम्मच भर के इसमें ऐड कर देंगे, और दही आपने 1 दिन पुरानी लेनी ताकि दही जो है वो थोड़ी सी खट्टी हो। तो खट्टी लस्सी बनेगी तो आपकी जो कढ़ी है वो ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। तो इसमें आपने इसको करना है मिक्स। आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं जिसमें हम मिल्क शेक बनाते हैं, अगर आपको सही से मिक्स ना हो पाए तो। गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। तो अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपनी प्यारी सी कढ़ाई के अंदर 1/2 कप डालेंगे कुकिंग ऑयल का और इसको करेंगे गर्म। तो जब ये गर्म हो जाएगा तो इसमें 1 प्याज ऐड करेंगे, और प्यालियों को अच्छे से आपने साफ़ करना है, कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। तो प्याज को हम करेंगे अच्छे से यहाँ पे ब्राउन। तो ये लें जी, लाइट ब्राउन कलर आ चुका है। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी आपने, प्याज ले लेते हैं 5 से 6 मिनट, और अदरक लहसुन का पेस्ट भी आपने 3 से 4 मिनट अच्छे से पकाना है। उसके बाद एक खूबसूरत सा टमाटर लेना, बिल्कुल रेड कलर का, इसको आप खा भी सकते हैं, बहुत मज़े का होता है। तो वो 1 टमाटर ऐड करते हैं प्योर रेड कलर का, और साथ ही इसमें तो इसको करेंगे मिक्स और पकाएंगे अच्छे से। तो दोस्तों, आज थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़नी है। थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से पक जाए। तो इसमें जाएगा 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी और ऐड कर देते हैं, और ये है हल्दी, ये भी 1/2 टेबल स्पून, और ये है हमारे पास नमक, 1/2 चम्मच जाएगा, और ये है हमारे पास खुश्क धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, और ये है कुटी लाल मिर्च 2 चुटकी। तो ये जो मसाले हैं, मैं आपको फिर से बता दूं, हमने इनको पहले रोस्ट करके फिर इनका पाउडर बनाया होता है। तो इंशाल्लाह जल्द इसकी भी वीडियो आएगी। अब मसाले पे मेहनत की बात ये थी कि मसाले को आपने कम से कम 12 से 13 मिनट आपने अच्छे से पकाना है। और ये देखें, मसाला अपना आप बताएगा कि वो तैयार हो चुका है, पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा और सारा जो मसाला है ये मलाई की तरह हो जाएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, कि अगर खुदा ना खास्ता लॉकडाउन की वजह से आप कुछ नहीं सब्ज़ी या गोश्त वगैरह ख़रीद सकते, तो जस्ट प्याज और टमाटर ले आए घर पे, ये मसाला भी इतना माशाल्लाह मज़ेदार होता है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो यहाँ पर मसाला तैयार हो चुका है। अब ये बेसन जो हमने लस्सी के अंदर मिक्स किया था, तो इसको इसमें डालेंगे। इसमें कोई गुठली नहीं होनी चाहिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो कढ़ी को बनाने के 2 तरीके होते हैं। एक ये होता है कि खाली इस लस्सी और बेसन को लोग पका देते हैं बग़ैर मसाला भुने, और एंड पे वो तड़का लगा देते हैं अदरक का या उसका लहसुन का। तो दोस्तों, वो अलग रेसिपी है, मुझे वो इतनी बेसिकली पसंद नहीं। मुझे इस तरह पहले मसाला भूनना है मैंने अच्छे से 20-25 मिनट लगा के, और फिर उसमें ये हमने कढ़ी डालनी है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, और ये ना समझिएगा कि ये पक जाएगी 10 मिनट में, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपको इसको कम से कम 1 घंटा पकाना पड़ेगा, और इस बीच में आपको लगे कि ये गाढ़ी हो रही है तो आपने इसमें पानी ऐड कर देना है। तो इसको रखते हैं साइड पे ढक्कन लगा के मीडियम आंच पे, ताकि ये अच्छे से पक जाए, कच्चापन ख़त्म हो बेसन का। तो दूसरी तरफ हम बनाते हैं पकौड़े। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कटिंग आप ध्यान से देखिएगा। प्याज, 1 प्याज लिया है मैंने, और ये हमारे पास आलू हैं 1 प्याली हमने लिए हैं बैंगन। बैंगन की भी अब आप कटिंग देख लें, छोटी इतनी ही आपने करनी है, इससे मोटी हरगिज़ नहीं करनी। और प्यालियों के बीच में कोई सामान ना रहे, प्लीज़ रिज़क की कदर करें तो इंशाल्लाह बरकत भी आएगी। ये बंद गोभी है 1 प्याली छोटी, और ये कुछ अब इसमें खुश्क मसाले ऐड कर लेते हैं। ये मसाले सब मैं इंशाल्लाह आपको जल्द इसकी रेसिपी दूंगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही मज़ेदार हैं, ये जो मार्केट से मिलती हैं ये वो वाली नहीं है, ये खुद हम बनाते हैं। तो इसमें जाएगा 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच ही कर देते हैं, और
ये है हमारे पास नमक हाफ चम्मच, और ये है हमारे पास हल्दी 1/4 टेबलस्पून, खुश्क धनिया पाउडर हाफ चम्मच, आप पूरा ऐड कर लें, कुछ लोगों को ये ज़्यादा पसंद होता है, ज़ीरा पाउडर इसमें ऐड करेंगे हाफ चम्मच, और ये है कुटी लाल मिर्च। कुटी लाल मिर्च में और पाउडर में ये फ़र्क होता है, ये थोड़ी सी तीखी होती है और इसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है। तो ये चीज़ें, अब मैंने इनमें अभी बेसन ऐड नहीं किया क्योंकि पहले मैं इन वेजिटेबल्स के ऊपर मसालों को अच्छे से लगाऊंगा और अच्छे से मिक्स करूंगा। अगर मैं यहाँ पे बेसन भी डाल देता तो मिक्सिंग अच्छी नहीं होनी थी। हरी मिर्चें मैंने ली हैं 3 अदद, और इनको बड़ी काटा है, और ये है हमारे पास साइड पे धनिया, इसको भी ऐड करते हैं। तो अब हम इसमें बेसन ऐड कर देंगे, 200 ग्राम बेसन है ये, हाफ पाव तकरीबन। तो अब इनको अच्छे से हम एक जान करेंगे और मिक्स करके फिर पानी ऐड करेंगे, वरना पानी की क्वांटिटी का पता नहीं चलता। तो एक छोटी प्याली इसमें काफ़ी होगा पानी का, क्योंकि हमने इसको बहुत पतला नहीं करना, अच्छे से इसको मिक्स करना है, कोई चीज़ रह ना जाए आगे पीछे। तो दोस्तों यहाँ पे एक टिप है जो मैं आपको दूंगा, जब हम पकौड़ों को बनाएंगे तो वो आपने ध्यान से अब अगली वीडियो देखनी है, मिस नहीं करनी, बहुत अहम चीज़ है, लोग नुकसान कर जाते हैं। तो यहाँ पे ना आप इसका टेस्ट चेक कर सकते हैं, नमक मिर्च कोई चीज़ कम या ज़्यादा तो नहीं। तो यहाँ पे हमारी जो कड़ी थी वो देखें पक रही है, और चम्मच हिलाते रहना इसके बीच में आपने, ये नीचे से लगे ना, और जब ये गाढ़ी हो तो इसमें आपने पानी ऐड कर देना। अभी मैं 2 दफ़ा इसमें पानी ऐड कर चुका हूँ, तो इसको 1 घंटा कम से कम पकाया जाता है, फिर इसमें टेस्ट आता है। तो दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, अपनी प्यारी सी खूबसूरत सी कढ़ाई के अंदर डालेंगे कुकिंग ऑयल, क्योंकि अब हमने पकौड़ों को फ्राई करना है, यहाँ पर पकाना है। तो ये मेरे पास पहला ऑयल पड़ा हुआ था फ्राई का, तो वो भी मैंने यूज़ कर लिया, तो इतना ऑयल काफ़ी होगा। अब इसको अच्छे से गर्म होने देना, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर आपने अल्लाह का नाम लेके पकोड़े ऐड करने हैं। और यहाँ पे जो टिप मैं आपको बहुत अहम देना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, जब हम पकोड़े डालते हैं ना तो हमारे हाथ को लगा होता है पानी, और उसी हाथ से हम क्या करते हैं कि चम्मच पकड़ के इनको हिलाना शुरू कर देते हैं, और पानी गिरता है ऑयल के अंदर, और ऑयल जो है वो उछलता है। तो ये देखें पकौड़े लगे हुए हैं, बेसन लगा हुआ है, इसको ऐसे साफ़ करना आपने, और साइड पे सिंक पे जाके आपने हाथों को धो लेना है और धो के सुखा लेना है। ये देखें जैसे मैंने हाथों को सुखा लिया है। अब आपने चम्मच पकड़ के या किसी भी चीज़ को पकड़ के अपने पकौड़ों को हिलाना है, इस तरह क्या होगा कि आपका जो ऑयल है वो उछलेगा नहीं। बहुत से लोग, बहुत सी ऐसी लड़कियां जो नई कुकिंग करती हैं, उनसे ये मिस्टेक्स होती हैं, ऑफकोर्स मुझसे भी हुई थी, लेकिन अगर आप मतलब ध्यान दें चीज़ों पे तो चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं होती। पकौड़े जब आपने ऐड करने हैं, ऑयल फुल गर्म होना चाहिए, उसके बाद आपने जब पकौड़ों को पलटना है तो आपने आँच धीमी कर देनी है। इन पकौड़ों को मैंने कोई 7 से 8 मिनट पकाया है, कम से कम 7 से 8 मिनट, इससे कम पकाएंगे तो ये जल जाएंगे। अब बात ये है कि इतनी देर में आपके पकौड़े जले ना, तो आपने जब पहली दफ़ा इनको पलटना है तो अपने जो फ्लेम है उसको आपने मीडियम कर देना, ठीक है। तो फिर से आपको मैं बताता हूँ दोबारा से, ये देखें, और आप एक और चीज़ नोटिस करें, यहाँ भी आपको ऑयल नज़र नहीं आ रहा पकौड़ों पर, ठीक है, क्योंकि हमने चीज़ों को बहुत अच्छे से किया। दोबारा से फिर पकौड़े ऐड करेंगे, और मैंने फ्लेम को कर दिया था तेज़, आपको बबल से पता चल रहा होगा कि ऑयल कितना गर्म है, इतना ही गर्म ऑयल होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। और वही बात, हाथों को इस तरह से करना है साफ, और धो के किसी टॉवल से साफ़ करके फिर आपने चम्मच पकड़ना है हिलाने के लिए। अब ये देखें पकौड़े जो मैंने निकाले थे, माशाल्लाह देखें क्रिस्पी हैं, और बहुत अच्छा कलर आया, क्योंकि जब मैंने पकौड़े ऐड किए तो ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा था। अब आप नीचे कढ़ाई में देखें ऑयल का टेम्परेचर कितना कम है, ठीक है। तो ये यहाँ से कुरकुरे भी हैं, क्रिस्पी भी हैं माशाल्लाह से। तो फिर से मैं रिपीट कर दूँ, फिर से सुन लें, कोई बात नहीं, सुनने में कुछ नहीं जाएगा। जब पकौड़े ऐड करने हैं तो फ्लेम तेज़ होना चाहिए, और जब पहली दफ़ा आपने पलटने हैं तो फ्लेम आपने मीडियम टू लो कर देना है, ताकि पकौड़े जो हैं अंदर तक पक जाएँ। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ, फिर भी सवाल जहन में आया करें तो आप पूछा करें। तो उम्मीद है आपने मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दिया होगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर हमारी जो कड़ी है ना, इसको हो चुका है 1 घंटा, और बेसन का कच्चापन टोटली ख़त्म हो चुका है, खुशबुएँ उड़ रही हैं, और बहुत ही एक क्रीमी सी हमारी जो कड़ी है वो तैयार है।
इसमें कड़ी पत्ता भी आप ऐड कर सकते हैं, कुछ लोग ऐड करते हैं, तो वो एक ऑप्शनल चीज़ है, आप पे है। 3 हरी मिर्चें लेंगे खूबसूरत साइज़ की, जो कि विटामिन सी का है ज़हीरा। और अब इनमें हम अपने पकौड़े ऐड कर देंगे जितने करने चाहें। तो बाकी पकौड़े जो हैं वो मैं सेव कर लूँगा नेक्स्ट टाइम, मतलब जब हम ये दोपहर को कड़ी खाएंगे तो वो उसमें मैं फ्रेश पकौड़े ऐड करूँगा और फिर सर्व करूँगा। समझ आ गई? अभी इतने लोगों ने खाना है तो मैंने इतने पकौड़े ऐड किए, बाकी मैंने साइड पे रख दिए, अगर कोई खाएगा नहीं तो वो दोपहर तक बच जाएंगे। यहाँ पे इसमें धनिया ऐड कर देते हैं और इसको करते हैं मिक्स। एक दफ़ा कलर देखिए, कलर कैसा आ रहा है माशाल्लाह से, तो ये मेरे अल्लाह की रहमत है, उसकी नेमतें हैं। तो धनिया को कर देते हैं मिक्स, चम्मच आपने सॉफ्टली हिलाना है, कोई जल्दबाजी नहीं। आप थिकनेस देख लें कैसी है, तो प्लेट में निकालते हैं बॉल में, तो ये देखें आप माशाल्लाह, देखें आप कड़ी की थिकनेस, मतलब कितनी गाढ़ी है कितनी पतली है ये नोटिस कर लें और कोशिश कीजिएगा ऐसी हो। तो दूसरी तरफ हमने एक और काम करना है, ऑयल को करना है गर्म पैन में, और एक चम्मच इसमें डालेंगे साबुत ज़ीरा, ये हम तड़का तैयार कर रहे हैं। और साथ ही इसमें मेरे पास ये हैं लाल मिर्चें गोल वाली, जो तड़के के लिए यूज़ होते हैं, तो हल्का सा बस इनको, ज़्यादा नहीं करना जल जाएंगे, तो इस पे डाल देना है तड़के को आपने। मेरे पास काफ़ी कड़ी है, यहाँ पे आपको तड़का ज़्यादा लग रहा होगा लेकिन कड़ी बहुत ज़्यादा है इसलिए तड़का इतना ही है। तो देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और उसकी बरकतें जो हमारे हाथ में दी। मेरे प्यारे दोस्तों, बेशक सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए ही हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी किया करें। सवाल हो कमेंट बॉक्स में पूछे, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो दुआओं में याद रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इजाज़ को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। आपके सामने है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी रेसिपीज़ जिनको आप घर पर बना सकते हैं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर इन पर करिए क्लिक और इनको करिए इंजॉय।